पावन पर्व की विशेष तैयारियों के साथ इंदौर में भव्य यात्रा का मार्ग तय किया गया। साथ ही बताया गया कि संस्था नमो नवग्रह शनि एवं संस्था सत्यमेव जयते द्वारा विगत 15 सालों से सतत महाशिवरात्रि पर यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष हिमांशु यादव ने बताया कि संस्था नमो नवग्रह शनि एवं संस्था सत्यमेव जयते के द्वारा विगत 15 सालों से सतत महाशिवरात्रि पर निकलने वाली धार्मिक यात्रा को लेकर विशाल बैठक रखी गई। नमो नवग्रह शनि व सत्यमेव जयते द्वारा पिछले 15 वर्षों से सतत महाशिवरात्रि पर्व पर बाणेश्वरी कुंड से ये धार्मिक यात्रा प्रारंभ होकर बाढ़ गंगा होती हुई मरी माता चौराहा होते हुए पुनः गणेश मंदिर पर यात्रा का समापन हुआ। संस्था द्वारा शिवरात्रि के पावन पर्व पर निकाली जाने वाली भव्य सवारी में इस बार एक झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी, जो कि कमलनाथ की सरकार प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगी, जिसमें कमलनाथ सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। यात्रा का जगह जगह मंच लगाकर भव्य स्वागत किया जाएगा। वहीं यात्रा में भजन मंडली द्वारा विशेष भोले के भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी एवं भक्तों के मनमोहक झांकियों का चित्रण भी किया जाएगा। नासिक डोल मंजीरे का यात्रा में विशेष आकर्षण रहेगा। वहीं इस दौरान इंदौर शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष हिमांशु यादव, के यादव, परवेश यादव, आनंद यादव, कैलाश साहू, संजय यादव, तेज प्रकाश राणे व बड़ी मात्रा में भक्तगण मौजूद रहे। ये संस्था नमो नवग्रह शनि एवं सप्तमय जयते द्वारा विगत 15 सालों से ये ऐतिहासिक यात्रा निकलती है। इस यात्रा में सभी बहुत पूरे इंदौर शहर के साधु संत और भाजपा कांग्रेस पार्टी के नेतागण, स्थानीय जनता, भक्त लोग सब शामिल होते हैं और हजारों की संख्या में इसमें भक्तगण आते हैं और ये यात्रा बाणेश्वर कुंड से प्रारंभ होकर मरी माता चौराहे पर समाप्त होती है। इसके अंदर 11 झांकियाँ रहती हैं, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग की झांकी और ऐसे कई सभी भगवानों की झांकी रहती है। अखाड़े रहते हैं, ताशे रहते हैं, ढोल रहते हैं और आतिशबाजी की जाती है। सर, आज किस तरह का प्रोग्राम था? आज उसी संदर्भ में हमने आज एक यात्रा को सफल बनाने में एक मीटिंग का आयोजन रखा था, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग, भक्तगण और मात शक्तियाँ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपस्थित हुई और हमने सभी को अपनी अपनी जवाबदारी सौंपी है। जैसे कलश वितरण समिति है, यातायात व्यवस्था समिति है, ऐसी कई तरह की समिति बनाई है, भोजन व्यवस्था, प्रसाद वितरण समिति है और लोगों को अपने काम पर लगाया है।